हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। मैंने जैसे पहले लास्ट व्लॉग में बोला था कि मैं बहुत जल्दी दूसरा वीडियो शूट करूँगी, सो आज का दिन ऐसा कोई ख़ास नहीं है, घर पे ही हूँ। ट्यूसडे है, सो कल मंडे था, कल मेमोरियल डे का यहाँ पे डे ऑफ था, सो जॉय की भी छुट्टी थी। वैसे जॉय वर्क फ्रॉम होम ही करता है, बट आज उसका ऑफिस है, घर से ही कर रहा है। सो मैं आज आपको दिखाऊंगी कि मैं पूरा दिन क्या करती हूँ, छोटा सा मतलब बिट्स एंड पीसेज में थोड़ा थोड़ा करके दिखाऊंगी। सो अभी मॉर्निंग हो रही है, मॉर्निंग के 10:30 हो रहे हैं, अभी तक मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया क्योंकि मैं उठते उठते ही मुझे लेट हो गया था। सो चलिए देखते हैं अभी क्या करते हैं, आज मैं पूरा पूरा दिन क्या करती हूँ। अभी जो ब्रेकफास्ट कर रहा है, सो मैंने मिल्क और कॉर्नफ्लेक्स दे दिया है। बाकी के फायद अभी मुझे ये जो यहाँ पे सिंक में जो बर्तन है वो थोड़ा डिश वॉशर में लगाना है, जो डिश वॉशर में जो बर्तन है उन्हें वापस मैं अनलोड करूँगी। सो यही छुटपुट छुटपुट जो डेली लाइफ में सबके काम होते हैं वो आपको दिख रहा है, वो बॉक्स वो क्योरिक का है, ये जो हमारा कॉफ़ी मशीन है उसका बॉक्स है, और ये मेरा ट्राइपॉड। सो अभी मैं अपना काम शुरू करती हूँ। हे जॉय, हाय करो। तो सड़ा हुआ वो बोला कि कौन हाय करता है यार। चलिए काम शुरू करते हैं, रोज़ का वो ही बर्तन झाड़ू पोछा एंड ऑल। बनाऊंगी बंगाली स्टाइल में। ये मैंने दाल ले ली है, पर इसको धोने से पहले मैं थोड़ा फ्राई करूंगी क्योंकि धोने के बाद फ्राई नहीं करा जा सकता। और मूंग दाल को मैंने हमेशा मम्मी को भी मेरी सास को भी हमेशा देखा, लाइक पहले फ्राई करती हैं फिर धोती हैं। सो मैं पहले थोड़ा सा अच्छे से फ्राई कर लूंगी और उसके बाद मैं इसे धो के फिर से बॉयल करूंगी, तो मैं प्रोसेस आपको दिखाऊंगी। तो ये बंगाली स्टाइल है और ऐसा कुछ इसमें बहुत कुछ है नहीं करने का, बट इसी हिसाब से मैं बनाती हूँ जब भी बनाती हूँ, पर बहुत रेयर बनाती हूँ क्योंकि फिर से मेरी मम्मी भी कहती है, मेरी सास भी कहती है कि मूंग दाल में थोड़ा गैस होता है और जॉय को थोड़ा है एसिडिटी का, इंडाइजेशन का प्रॉब्लम, तो मैं बहुत रेयर बनाती हूँ, बट खाने में बहुत टेस्टी होता है, तो मैं आज वही बनाने वाली हूँ। मैंने पैन गरम करने के लिए बिठा दिया है, इसमें मैं जो है अपना ये थोड़ा फ्राई करके फिर से बॉयल करूँ। फ्राई कर लिया था मूंग दाल जो मैं बता रही थी, फिर उसको धो के मैंने बॉयलिंग पर बिठा दिया। इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी, और इग्नोर दी स्टेन, यहाँ का पानी इतना हार्ड होता है ना, सो ऐसे सारे बर्तनों में इस तरह से स्टेन हो जाते हैं, सो इग्नोर दिस थिंग। और देखो जॉय को ये सही है यार वर्क फ्रॉम होम करने का, आगे जब मन करे अपना एकदम नवाब की तरह जो है बैठ जाओ, ब्रेक सा लो और फिर वापस ऑफिस का काम करो। ये इसके कुछ कपड़े हैं जो कि मैं धोने अलग से, सो इसलिए मैंने अलग से रखा है। अब इसका एक वाइट टी शर्ट धोने पर रखा है मैंने, और उसके बाद ये भी धो दूंगी। और आप ये देख रहे हैं, ये देखिए ये मैंने Forever 21 से लिया था, इतना गर्म है, इतना वार्म है, इसे पहनने के बाद और कुछ पहनने की ज़रूरत नहीं होती है, बस हवा भी नहीं गुजरती है, बट अभी गर्मी शुरू हो गई उसके बावजूद मैं इसे पहनती हूँ क्योंकि जब अंदर एसी चलता है ना, जब एसी चलता है तो बहुत ठंडा हो जाता है रूम, इसलिए। यार ना पत्ता गोभी बनाने का ना सबसे गंदा काम मुझे ये लगता है इसे काटना, सच में कई बार ऐसा होता है, सिर्फ इसी चक्कर में मैं पत्ता गोभी नहीं बनाती, सिर्फ इसी चक्कर में। बनाना इज़ वेरी इजी, पर जब भी काटना होता है ना सबसे घटिया काम लगता है मुझे। प्लीज़ कमेंट में आप मुझे ये बताइएगा कि आप में से कितने लोगों को ये पत्ता गोभी काटना गंदा लगता है, बहुत गंदा, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लेता है और इतने महीन तरीके से काटो, बहुत मुझे मेहनत वाला काम लगता है। आधा पत्ता गोभी काट के मैंने धो लिया है वहाँ पे, इसको मैं स्टीम करूँगी। स्टीम क्या करती हूँ मैं, कुकर में जो है एक सीटी लगा देती हूँ, बस हो जाता है, मेरे पास इतना टाइम नहीं बैठ के स्टीम करती हूँ। और आधे को काट के मैंने जिप लॉक बैग में फिल कर लिया, इसे रख दूँगी नेक्स्ट टाइम के लिए। यहाँ के पे लोग ना आप देखेंगे US में, मुझे ज़्यादा कंट्रीज़ का नहीं पता, यहाँ पे एंट्रेंस लोग जिप लॉक बैग अपना खाना स्टोर करके रखने के लिए और जो है लंच वगैरह पैक करके ले जाने के लिए बहुत यूज़ करते हैं, और इसमें ना खाना वगैरह ना बहुत लंबे टाइम तक सही रहता है। पर मैं सब्ज़ियाँ वगैरह काट के ही इसमें रखती हूँ, मैं इसी काम के लिए यूज़ करती हूँ जिप लॉक बैग को। खाना बन रहा है अभी, साथ ही साथ मैंने सोचा कि अपना जो बेड है इसे थोड़ा सा ठीक कर लूँ, सुबह उठ के टाइम ही नहीं मिला, सो वही मैं अभी ठीक करने जाऊंगी साइड बाय साइड।
मैंने पत्ता गोभी के लिए आलू फ्राई करने के लिए बिठा दिया है। मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती हूँ कुछ कुकिंग में। हमारा जो बंगालियों का मस्टर्ड ऑयल यूज़ करना लाइक वेरी कॉमन। खाना बहुत टेस्टी बनता है पर मैं कुछ खानों में बनाती हूँ, लाइक दाल में बनाऊँगी, पत्ता गोभी बनाऊँगी, मोस्टली वैसे मैं वाइट ऑयल यूज़ करती हूँ। इसमें मैंने पत्ता गोभी डाल के एक सीटी लगा दी थी थोड़ा सा पानी दे के। यही मेरा प्रोसेस होता है, प्लीज़ जज मत करना। मैं थोड़ा फास्ट उसमें रहता है, इतना कौन मम्मी जैसा है इसमें कुकर में, इसमें कढ़ाई में डालती स्टीम करती हैं, भाप देती है हम कहते हैं, बट मेरा ऐसे ही चलता है। और मैंने यहाँ पे अपना जो है स्टार्ट कर दिया है वेंट, सो दैट जो भी गैस या जो भी अगर कोई स्मेल होगी ये चला जाएगा, नहीं तो ये जो हमारा वहाँ पे आप देख रहे हैं ना फायर अलार्म, ये बजने लग जाता है विच इज़ सुपर अनोइंग। तो मैं ऐसे करके फटाफट फटाफट खाना बनाती हूँ। मैं एक एक करके आपको बता दूँगी। अभी इसमें मैं आलू फ्राई कर रही हूँ। आलू फ्राई करने के बाद फिर मैं क्या करती हूँ मैं आपको बताऊँगी। इसमें खाली मैं टमाटो और मटर दूँगी और जो भी बेसिक मसाले होते हैं बस वो। आप लोग सोच रहे होंगे अभी इतनी जल्दी खाना मैं लंच क्यों बना रही हूँ, तो सिर्फ 11:30 बजे हैं क्योंकि जॉइन मुझे बोला था उसका 2-4 जो है उसका कोई कॉल है और बीच में वो उठ नहीं पाएगा, तो मुझे उसे 2 बजे से पहले खाना देना है। तो इसलिए मैं झटापट झटापट सारा लंच तैयार करूँ सो दैट वो 2 बजे से पहले खाना खा ले, क्योंकि एक बार वो बैठ जाएगा ना कॉल पर फिर उसे कोई हिला नहीं सकता। तो इसलिए एटलीस्ट वो खाना खा लेगा तो मेरी टेंशन भी ख़त्म हो जाएगी। मैं बाकी के फिर जो भी काम है, आज मुझे थोड़ा ट्रैश फेंकने भी जाना है, काफ़ी ज़्यादा हो गया है, वो भी फेंकने जाऊँगी। बट मैं सोची वो लंच वंच हो जाए उसका, उसके बाद ही मैं जाऊँगी। सो इसलिए मेरा खाना जल्दी रेडी हो रहा है। एंड प्लीज़ इग्नोर माई लुक, मैं घर में ऐसे ही रहती हूँ। ओके, इस टाइम मैंने ना ऑयल में थोड़ा जीरा और ऊपर से टमाटो दिया, थोड़ा सा नमक दिया। मैं जब भी टमाटो या प्याज देती हूँ ऊपर से थोड़ा नमक देती हूँ सो जाए वो जल्दी कुक हो जाए। अगर आपके पास हींग है तो आप हींग भी दे सकते हो। मेरे पास अभी हींग है नहीं, वो अभी इंडिया बाज़ार में गए थे तो उन्होंने बोला कि अभी है नहीं, टाइम लगेगा आने में, सो वही है। कोई नहीं, मैंने जीरा दे दिया है। सो जीरा और ऊपर से टमाटो थोड़ा सा ही स्मैश हो जाएगा, फिर मैं इसमें मसाले दूँ। गाइज आपको पता है यहाँ पे आपको जितने भी बर्तन दिखेंगे मेरे किचन में भी, इवन जो सर्विंग प्लेट्स होती हैं जो भी हैं, कि मेरे सारे इंडिया से हैं। इंडिया से ये नहीं कि मैं अलग से US आने से पहले मैं खरीद के लेके आई थी, ऐसा कुछ नहीं था। जो भी मैं यूज़ करती थी सारे बस वो ही लेके आई थी। और यहाँ पे आके भी मैंने एक भी बर्तन नहीं खरीदा है, सब डिशवॉशर में अच्छे से चलते हैं। तो कई लोग ऐसे, मैं वीडियो भी देखती थी कि नहीं वहाँ पे ये नहीं चलेगा, वो डिशवॉशर फ्रेंडली होना चाहिए, वो विच इज़ राइट, एक्चुअली डिशवॉशर फ्रेंडली होना चाहिए। पर मेरे सारे स्टील के बर्तन हैं, ये सब मैं डिशवॉशर में ही धोती हूँ और अब तक ये अच्छे से चल रहे हैं। ये जो मेरा कुकर है ये मेरा 3 लीटर का कुकर है, बस हम एक 5 लीटर वाला कुकर लेके आए थे सो दैट अगर हमें कभी ज़्यादा कोई मेहमान आए कुछ खाना बनाना हो तो उसमें बना सके। अदरवाइज मेरे सारे अब तक इंडिया वाले, सारे कटलरीज तक इंडिया वाले चल रहे हैं। अब तक यहाँ पे आके 1 साल हो गया, मैंने कोई बर्तन नहीं खरीदा है। अभी जॉय कह रहा है कि अब थोड़ा थोड़ा हमें खरीदना चाहिए क्योंकि बहुत पुराने हो गए हैं, अभी थोड़े हमें नए एडिशन ऐड करने चाहिए। मैंने कहा हाँ वो तो सही है, पर अभी तक मेरे सारे ये इंडिया वाले ही चल रहे हैं। मैंने अब तक कोई बर्तन नहीं खरीदा, कोई नहीं। और ये भी मैं आपको बताऊँ, ये जो कढ़ाई है ये जॉय शादी से पहले से यूज़ करता था, ये इस बात को भी हो गया 8-9 साल। और ये कढ़ाई देखो आज तक कितनी परफेक्ट है। मेरा मन ही नहीं कर रहा यार इसे कभी फेंकने का, क्योंकि उसने लिया था वो वाला इंडक्शन फ्रेंडली लिया था, क्योंकि इसमें इंडक्शन में भी बन जाता है, तब पहले जो है इंडक्शन में ही बनाता था तो, और ये इंडक्शन और गैस स्टोव दोनों में बन जाता है, तो यही मेरा चला आ रहा तब से। और ये दी बेस्ट कढ़ाई है, तो मैंने कुछ भी फेंका नहीं है। अभी देखिए टमाटो बिल्कुल स्मैश हो गया, उसने ऑयल छोड़ दिया है, तो अभी मैं इसमें थोड़े थोड़े मसाले दूँगी, बहुत ही थोड़े थोड़े, ना के बराबर। ये मेरा जीरा मसाला गया, ये मेरा धनिया पाउडर, बहुत ही कम हल्दी और लाल मिर्च की। और इसमें मैं एक चीज़ और देती हूँ, वो है मीट मसाला। मीट मसाला मैं मोस्टली सभी खानों में देती हूँ एक्सेप्ट दाल, वो मीट मसाला मैं दूँगी। भाई मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा, ओह माय गॉड इतना ज़्यादा गिर गया। ये थोड़ा सा मीट मसाला दिया है मैंने, अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इसमें मैं फिर 2 हरी मिर्च दूँगी काट के, आप अपने स्वाद के अनुसार, लाइक अगर आपको ज़्यादा मिर्ची या थोड़ा सा चाहिए तो आप 2 या 3 या 4 या 6, मैं 2 दूँगी, इससे ज़्यादा मिर्ची वाला बनाना नहीं है। तो ये अब इस मसाले को मैं कुक होने दूँगी अच्छे से। और यहाँ पर मेरा ये वाला पैन भी गर्म हो गया दाल के लिए, अब इसमें मैं मस्टर्ड ऑयल दे दूँगी। पहले इसको थोड़ा स्लो कर देती हूँ। ये मेरा मस्टर्ड ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल दूंगी मैं इसमें।
इसमें भी मैं जीरा दूंगी और फिर टमाटर दूंगी। अभी देखिए मसाले पूरे अच्छे से कुक हो गए थे, मैंने इसमें आलू दे दिया है। अब मैं इसका जो पत्ता गोभी है इसमें डाल दूंगी, जो भी उसमें पानी है उसके साथ। और जो दाल के लिए जो मैं बना रही हूँ उसमें भी मैंने जो टमाटो थे वो स्मैश हो गए हैं, और जीरा और इसमें टमाटो अभी तक, और थोड़ा सा नमक। और इसका मसाला मैंने अलग से इसमें रेडी कर लिया पानी डाल के। इसमें सेम मसाले वही है जो मैंने पत्ता गोभी में दिया थे सिवाय मीट मसाला के। अब ये मैं इस पानी वाला जो मसाला है वो मैं डाल दूँगी दाल वाले में। ये पानी का जो स्टाइल है ना, ये पानी में मसाला डाल के डालने का, ये मैंने अपनी मम्मी से सीखा है। और इससे क्या, मम्मी कहती है मसाले सारे एक साथ मिल जाते हैं और स्वाद और ज़्यादा आता है, डबल स्वाद आता है। आप भी एक बार ट्राई करके देखिएगा। तो मैं अब ये मसाले जो हैं दाल में डालने जाऊँगी, और दाल में जो मैं पानी ऐड करूँगी वो मैं पानी गर्म करके डालूँगी। मैं किसी भी खाने में जब भी पानी डालती हूँ वो पानी गर्म करके ही डालती हूँ। देखिए जो पत्ता गोभी में जितना पानी मैंने सीटी लगाया था बस उतना ही पानी है, उसी में ही कुक होता रहेगा। मैं अब इसे बन दूँगी। अब बाद में जब ये बन जाएगा ना तब मैं आपको दिखाऊंगी। अब इसका कलर समझ नहीं आ रहा। इसमें मैं थोड़ा सा मीठे के लिए थोड़ा सा स्वीट डालूँगी, टेक्स्चर आएगा उससे अलग ही। अगर आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं, नहीं तो नहीं भी। और इसमें मैंने दाल ऐड कर दिया है, गर्म पानी ऐड कर दिया जो मसाले थे वो पहले कुक हुआ था, अभी इसमें ही कुक होता रहेगा। मैं बीच में थोड़ा सा इसमें काटा देती रहूँगी। काटा इज लाइक आई डोंट नो यू गाइस बी बंगाली यूज दिस काटा। तो ये काटा मैं दूँगी। मैंने चावल का पानी बिठा दिया। ऑलमोस्ट मेरा खाना बनने को रेडी है। अगर मैं सैलड काट लूँगी तो खाना रेडी हो जाएगा। फिर 12 बजे मेरी पत्ता गोभी बन गई है। ये रे देख रहे हैं इसका कलर कितना चेंज हुआ है। इसलिए नहीं क्योंकि इसमें मसाले हैं, क्योंकि इसमें हल्का सा मैंने शुगर दिया था कैरमलाइज करने के लिए वो, और कुक करने की वजह से। और मुझे ऐसे ही पसंद है चॉय को भी। दाल भी रेडी हो गई है, राइस रेडी हो गया, सैलड कट गया। मैं पूरा किचन विचन साफ करूँगी, ट्रैश में फेंक के आ गई हूँ। फटाफट से हाथ वाथ धो लिए हैं। अब मैं किचन विचन साफ करके, ये वाला एरिया मैंने थोड़ा साफ कर दिया है, पर थोड़ा सा और मैं हाथों हाथ जब खाना बनाती हूँ कुछ भी किचन में करती हूँ मैं किचन साफ करती रहती हूँ। पर ये वाला जो होता है ना, ये स्टोव, इसे मैं हाथों हाथ नहीं कर सकती क्योंकि बहुत गर्म होता है, धुएं निकलता है अगर मैं साफ करने जाती हूँ। तो जब एक बार ये ठंडा हो जाता है तब मैं इसे साफ करती हूँ। खाना वाना खा के हो गया है, सब कुछ हो गया, किचन विचन मैंने साफ कर दिया है, मैंने डिश वॉशर भी लगा दिया है। आपको आवाज़ आ रही होगी पीछे से, डिश वॉशर की ही है वो, और इग्नोर जॉय का फेस, वो हमेशा ऐसे सड़ा हुआ मुंह बना के रहता है। ऐसा है नहीं कि वो गुस्से में, ऐसा वो उसका मुंह ही ऐसा है, ठीक है ना। सो इस बीच में मैंने बहुत सारे काम करे जो मैंने नहीं दिखाया, जैसे कि ट्रैश फेंकने जाना हो और डस्टबिन धो के बाहर सुखाना हो, ये सब इस बीच में मैंने किए थे जो कि मैं नहीं दिखा पाई। इतना झटपट झटपट जब काम करती हूँ ना, झटपट झटपट दिमाग में चलता अच्छा भैया करना, अभी ये करना है, तो रह जाता है। आज ये मेरे सुबह से लेकर आफ्टरनून तक का दिन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज के वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगे, कुछ भी लाइक छोटा सा भी नन्ना सा भी, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती है एक और नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी, आई होप। बाय बाय।